कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से जहां पूरी दुनिया थम गई है, तो इस बीच जर्मनी में लगी तमाम पाबंदियों के बीच स्वेडोर्फ में शानदार तरीके से लोगों ने कार में बैठकर डिस्को किया और पार्टी का लुत्फ उठाया। लगातार 3 घंटों तक चले इस डिस्को पार्टी का वेन्यू सड़कों के बीचों बीच बनाया गया और शानदार लाइटिंग और म्यूजिक के जरिए डिस्को इन कार से कोरोना की लड़ाई में लगे वॉरियर्स की सलामी और बेहतरी के लिए हौसला अफजाई किया गया। हालांकि इस इवेंट के दौरान कार में भी जरूरी एहतियात का ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी कार में सिर्फ 2 लोगों को ही बिठाया गया। आपको बता दें कि इस कार डिस्को का आयोजन जर्मनी के सबसे बड़े डिस्को इंडेक्स के होस्ट होल्जर बोशे ने किया। साथ ही होल्जर बोशे ने कार डिस्को के जरिए कोरोना संकट के दौरान लोगों में एकजुटता बढ़ाने के मकसद से इसका आयोजन करने की बात कही। जर्मनी में अब तक कोरोना वायरस से 6,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में जर्मनी में कोरोना वॉरियर्स और देश की जनता का मनोबल बढ़ाने वाले इस इवेंट की हर ओर तारीफ हो रही है।